हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गगोई और आज हम बात करेंगे ये वीडियो में फुल्ली एमसीएक्स का ऊपर। तो देखेंगे कौन सा एमसीएक्स में कौन से स्क्रिप्ट कहाँ पे जाने वाला है, कहाँ पे एंट्री कर सकता है, उसका हम डिटेल्स बात करेंगे। और एक बात आपको बताना चाहता, अगर कहीं मार्केट का ऊपर रिसर्च करना है, जैसे आप लोगों ने कहीं पे भी स्टॉक्स हो, कमोडिटी में हो, कहीं पे भी पोजीशन लेके रखा हुआ है तो और पोजीशन लेना चाहता है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकता है। तो उसके लिए हमें आपका ऊपर एक वीडियो बना के देंगे कहाँ पे, जैसे आपने कहीं सपोज कोई स्टॉक्स में बाय करके रखा हुआ है, जैसे सपोज आपने एक्सिस बैंक में आपने बाय करके रखा, तो कहाँ पे आप निकाल सकता है अगर आपको जानना है उसका बारे में, तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। तो उसके लिए मैं वीडियो बना के देंगे कहाँ तक जाना है, कहाँ पे आप निकाल सकता है और कहाँ एंट्री कर सकता है। जैसे भी स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो या ऑप्शन में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो अगर ऑप्शन में कहाँ पे ट्रेडिंग एंट्री करना है तो आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं उसका ऊपर भी वीडियो बना के देंगे आपको। ठीक है, चलो आज देख लेते हैं क्रूड ऑयल और पिवट पॉइंट। देख सकते हैं मैं पूरा यहाँ पे नौ स्किप है, उसका ऊपर भी देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का पिवट पॉइंट आप देख सकते हैं 3463 रेजिस्टेंट, फर्स्ट 3525, सेकंड रेजिस्टेंट 3570, थर्ड रेजिस्टेंट 3635, फर्स्ट सपोर्ट 3415, सेकंड सपोर्ट 3353, सेकंड सपोर्ट 3305। तो आपको और भी पिवट पॉइंट एमसीएक्स या एनएससी और फॉरेक्स में आपको पिवट पॉइंट देखना है, तो आप एलिसब्लू का वेब पेज में जाइए, तो मैं आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर मैं पिवट पॉइंट एक एप स्क्रिप्ट का देंगे तो ये बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए आप सीधा जाइए ज़्यादा पिवट पॉइंट देखने के लिए एलिसब्लू का वेब पेज। तो यहाँ पर देखेंगे आपको टूल्स, टूल्स में जाएंगे तो मार्जिन कैलकुलेटर, ऑप्शन कैलकुलेटर, उसका बताएगा पिवट पॉइंट, राइट। आप अगर पिवट पॉइंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलिसब्लू का पूरा दिया हुआ पिवट पॉइंट। तो हर दिन हम लोग अपडेट करता रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट, ये एनएससी का पिवट पॉइंट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीएक्स का पिवट पॉइंट, तो यहाँ से आप किसी का भी पिवट पॉइंट देख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, जिंक, और फॉरेक्स का भी देख सकते हैं जो एनएससी में ट्रेडिंग होता है, ये क्रॉस करेंसी। और एमसीएक्स का वीकली पिवट पॉइंट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको पिवट पॉइंट नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले क्रूड ऑयल का, राइट। तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं, ये क्रूड ऑयल, राइट। तो क्रूड ऑयल जिसे मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल थोड़ा, जैसे आप देख सकते हैं ये लोअर पॉइंट बनाने के बाद क्रूड ऑयल रिट्रेसमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका भी ऊपर आप देखना चाहता है, तो इसका अगर वीडियो में कोई दिक्कत आया, अगर आपने पढ़ के भी देख सकता है, तो यहाँ पे मैंने बना के लिख के रखा हुआ है, तो कहाँ पे आप जाएंगे उसको भी मैं बता। तो आप एलिसब्लू का वेब पेज में आइए, तो यहाँ पे आपको ऊपर में दिखाई देगा एक ब्लॉक, दिखाइए मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये ब्लॉक। जब आप ब्लॉक में क्लिक करेंगे ना, ब्लॉक में क्लिक करेंगे तो ब्लॉक का एक स्क्रीन डिस्प्ले होगा, जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जाके पूरा कहाँ पे क्या हो रहा है पूरा, ये इंटरनेशनल न्यूज, जैसे यूएस एंड चाइना ट्रेड टॉक जो हो गया, चाइना वीकेस्ट पीआईएम सिंस 16, जो मैंने लिख के रखा हुआ है, ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जाके। सो यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल जो मैंने कब, ये आज 9/7 को मैंने इसको रिसर्च करके दिया था, तो लॉन्ग पोजीशन के लिए, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्रूड ऑयल प्राइस रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख के रखा हुआ है कहाँ तक जाना है, कौन सा पे रिट्रेसमेंट करना है, हाँ कहाँ पे एंट्री करना है, क्या हो रहा है, डिटेल्स यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। अगर बियरिश जाना है तो क्या होने से बियरिश मार्केट ले लेगा क्रूड ऑयल में, तो इसका भी ऊपर मैंने डिटेल्स लिख के रखा हुआ है, तो इसमें भी आप पढ़ के देख सकता है, राइट। तो
इधर देख सकते हैं जैसे क्रूड ऑयल जो अभी जो बता रहा हूँ वो ही लिख के रखा हुआ है यहाँ से, और क्लियरली लिख के रखा हुआ है वहाँ पे, आप जा सकते हैं इसमें अगर समझ में नहीं आया तो इसमें देख सकते हैं। मुझे लगता है क्रूड ऑयल जैसे 3641 जो एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ तक जाने जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत मुझे लगता है या क्योंकि जो यह मार्केट पहुंच जो लेवल पहुंच जाएगा जैसे 3614 में, तो यहाँ से मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट करने करने का चांसेस है। तो अगर यहाँ पे कोई बियरिश सिग्नल मिला तो यहाँ से सेल जा सकता है अप टू 3453 के लिए, तो यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, लेकिन पहले कंफर्म कर लेना चाहिए, राइट। तो अगर छोटा टाइम फ्रेम में जैसे क्रूडल को हम देखें तो 4 आवर में जैसे 14 टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने क्या 3614 लेवल, राइट 3614 लेवल। तो मुझे लगता है ये मूविंग एवरेज दिया हुआ है 150 मूविंग एवरेज है, ये 150 मूविंग एवरेज स्टॉक मार्केट मुझे लगता है जाएगा, लेकिन उसका से जाने से पहले थोड़ा बहुत तो रिटेस्टमेंट देना चाहिए, क्योंकि आपको बाय कब करना है जब लोअर प्राइस में मिले। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे 3565 में मार्केट रनिंग है, तो अगर अभी ओपन होके यहाँ पे रेंज में ये रेंज में चल रहा है, राइट। तो अगर ये आप यहाँ पे अगर बाय कर लेंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकता है, तो थोड़ा बहुत मतलब आपका अगर 20 पॉइंट 50 पॉइंट लगा के रखा हुआ है एसएल, तो डेफिनेटली वो एसएल हिट हो जाएगा। तो आपको बाय कहाँ करना है जब मार्केट नीचे आता रहता है, तो नीचे आता रहता है क्योंकि हमें कॉन्फर्म मिला है कि ये छोटा टाइम फ्रेम जैसे 4 आवर में मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। तो हमें चांसेस से ऊपर जाने का 3614 का हमारा टारगेट है, लेकिन हमें अगर ये प्राइस में अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 3565 अगर मैं बाय कर दे रही है यहाँ से, फिर से मार्केट 50 पॉइंट नीचे आ सकता है। तो अगर 20 पॉइंट 30 पॉइंट का नीचे में आप एसएल लगाएंगे तो एसएल हिट करके फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो जितना हो सके आप मार्केट रिट्रेसमेंट करने में ही बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर छोटा टाइम फ्रेम हम 15 मिनट में देखें, आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट कॉन्टिन्यूस। तो अगर यहाँ पे बाय करेंगे तो नीचे आ सकते हैं, तो जितना हो सके आप रिट्रेसमेंट करने दीजिए, अगर मिला तो आप बाय में जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये पहले कहाँ पे ये 100 मूविंग एवरेज में बाउंस हुआ था, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली ये 100 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ है, बाद में 20 20 20 में बाउंस होके जा रहा है। तो नेक्स्ट मार्केट फिर से 20 या 100 पे आ सकता है, अगर 20 100 में आपको मिल सकता है तो आप बाय में जा सकता है। ये हो गया क्रूड ऑयल। चलो हम थोड़ा जिंक भी देख लेते हैं। तो जिंक जैसे मैंने लोअर पॉइंट दिया था आपको पहले, यहाँ पे देख सकते हैं एक लोअर पॉइंट है, तो लोअर पॉइंट लोअर लो बना के फिर से मार्केट रिट्रेसमेंट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं अभी 20 मूविंग एवरेज के आसपास में है डेली में। चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास, देख सकते हैं कल भी 20 मूविंग एवरेज जैसे मैंने बताया था ये 20 मूविंग एवरेज तक आ सकता है, तो एग्जैक्टली 20 मूविंग एवरेज तक ये आ गया। तो आपको देखना है अभी आज 20 मूविंग एवरेज है ना, 20 ब्रेकआउट होता क्या नहीं होता है। अगर यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये छोटा टाइम फ्रेम में मिल जाएगा, और यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन के लिए हमें प्रीवियस लोअर पॉइंट को टच कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते 20 मूविंग एवरेज में है, तो हमें देखना है छोटा टाइम फ्रेम में जैसे 15 मिनट में, तो आपको एंट्री करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर बाय कर देंगे, अभी आपने सोच सोच लिया था यहाँ पे कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे अगर बाय कर देंगे तो क्या होता है एग्जैक्टली, मार्केट यहाँ से वापस नीचे चला आता है, तो आपका जितना एसएल था हिट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे बाय नहीं करना है, कहाँ पे 177.45 में बाय नहीं करना है। अगर बाय करना है आपको 170 178 में ही बाय करना चाहिए यहाँ पे। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो इसमें बाय कर सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए आप कैसे कंफर्म करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कहाँ पे डेली चार्ट में, राइट। डेली चार्ट में यह 20 मूविंग एवरेज के आसपास में है, स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंट है, यहाँ से मार्केट नीचे आने का हाई चांसेस है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, राइट सिंह। तो इसलिए हम 15 मिनट में क्या करेंगे, यहाँ पे सेल ले सकता है। यहाँ पे अगर आपने सेल ले लिया तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपने सेल ले लिया, राइट,
तो अगर यहाँ पे आपने सेल ले लिया, इसका थोड़ा बहुत ऊपर 30-40, ये पीवीएस हाई था 30 पॉइंट का ऊपर, थोड़ा बहुत 30-40 पॉइंट आप ऊपर में लगा सकता है। जैसे आपने कहा बताया था मैंने आपको बाय लेना है 78 में, राइट, तो इसका 78 का थोड़ा ऊपर में आप बाय और ऐसे लगा सकता है, और टारगेट 1 रुपीस 2 रुपीस का आसपास, और इसको छोड़ भी सकता है और नीचे आने का चांसेस है। तो इसलिए आप सेल करेंगे, तो यहाँ पे सेल किया तो क्या करना है, 78 का ऊपर एसएल लगाना है। अगर ये एसएल हिट हो गया तो इसमें उल्टा आप बाय जा सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन डेली में जो क्या है 20 मूविंग एवरेज है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो 15 मिनट में आप बाय जा सकता है, राइट। तो अगर बाय कर दिया, तो सपोज आपने यहाँ पे बाय कर दिया 178 में, 15 या 10 में बाय कर दिया, तो एसएल कहाँ लगेंगे, ये जो रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दिया हमें 77-74 में, तो उसका थोड़ा नीचे शायद आपका 50 पैसा या 60-70 पैसा का नीचे एसएल लगाइए, और टारगेट 1:2 करके छोड़ सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका जिंक, तो और आज गोल भी देख सकते हैं थोड़ा, तो गोल डेली डेली में देखेंगे तो गोल टोटली ये साइडवे एक रेंज में चल रहा है, तो मुझे लगता है ये रेंज में ही रहेगा, जैसे गोल्ड रेजिस्टेंस लाइन और एक यहाँ पे, तो जितना हो सके अगर गोल को यहाँ जो अराउंड 3189 ये रेंज में अब आपको मिले तो गोल सेल कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर ऐसा लगा के, और इसको नीचे ये रीजन में छोड़ सकते हैं अराउंड 31,000 तक, राइट। ये हो गया गोल। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।